What's up guys, कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू अनदर गिवले वीडियो। सो गाइस, आज हम फिर से खेलने वाले हैं पोकेमोन डार्क राइजिंग। सो गाइस, पिछले एपिसोड में आपको पता है कि मैं कहां पर था, तो मैंने ऑफलाइन में जाके इन सारे के सारे ट्रेनर को मैंने हरा दिया था, हरा चुका हूँ। और मैंने ड्रैगन एयर को लेवल 30 में इवॉल्व कर लिया, और स्टार एटर को भी 24-25 लेवल तक मैंने करा, और लोमरे को मैंने डायरेक्टली पकड़ा था। लोमरे नहीं था, ये इसका फर्स्ट स्टेज क्या था भाई, इसका वही उसे ही मैंने पकड़ा था, क्योंकि मुझे एक अच्छा सा इलेक्ट्रिक टाइप नहीं तो मुझे ग्रास टाइप तो चाहिए था, तो मैंने सोचा कि लोटैट को पकड़ा, हाँ लोटैट को पकड़ लूँ, और उसे मैंने लोमरे तक इन्वॉल्व कर लिया। तो अगर अब इस एपिसोड में हम क्या करने वाले हैं वो मुझे भी नहीं पता, पर आपको पता है थंबनेल टाइटल से। सो और ये कौन है इसके साथ मैं, मुझे जहाँ तक लगता है मैंने पहले भी बैटल कर चुका हूँ। अगर इसके पास एक्सयू का फाइनल इवॉल्व तो नहीं, पर एक्सयू हो गया तो मैं समझ जाऊंगा कि मैंने इसके साथ पहले भी बैटल किया है, और मैं सही भी था कि मैंने इसमें इसके साथ पहले भी बैटल कर चुका हूँ। रियलू, ओके, नॉट दैट बैड, रियलू भी अच्छा ही है, मुझे थोड़ा बहुत अच्छा भी लगता है। ओके, तो अब तुम लोग कितने बंदे हो एग्जैक्टली मुझे रोकने के लिए, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है ये लोग बहुत ही ज्यादा ही है। इसके पास एब्जॉर्ब के अलावा कोई भी ऐसा मूव नहीं है क्या जिससे कि वो इसे नॉकआउट कर सके? ओके, तो ये थोड़ा बहुत अच्छा बात नहीं हुआ कि इसके पास बस एक एब्जॉर्ब है जिससे कि मैं हरा सकूं लोगों को। तो ओके, तो इधर वाटर टाइप पोकेमोन बहुत ही अच्छे मिलने वाले थे मुझे लगा, सबसे पहले देखने के बाद मुझे लगा, पर अभी तो ओके भाई वाटर टाइप में मुझे अच्छा ही लगता है, इतना ज्यादा भी नहीं, पर भी ठीक है, मैं इसे पकड़ लेता हूँ। अगर इससे भी अच्छा पोकेमोन मुझे मिला तो डेफिनेटली मैं इसे पकड़ने वाला, इससे अच्छा मिला तो मैं ऑब्वियसली वही पकड़ूंगा। मुझे फायर टाइप भी चाहिए, ये तो अभी के लिए मेरे पास ड्रैगन टाइप ही है, क्योंकि ये खास स्पेशली ड्रैगन टाइप पोकेमोन है, तो इसीलिए। ओके, तू तो बाढ़ में जा भाई, तेरा में तुझे मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं। पॉलीवैग भी ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है पॉलीवैग, फिर भी मुझे नहीं चाहिए भाई। ड्रैगन ब्रेथ और ड्रैगन पल्स ही है मेरे पास जिससे कि मैं इन लोगों को हरा सकूं, क्योंकि मेरे पास कोई भी ग्रास टाइप पोकेमोन नहीं है, अगर है तो वो भी बहुत ही घटिया है। और ओके, तो ये ग्रास टाइप भी है, ये भी मुझे पता है, पर इसमें तीन तीन रास्ता क्यों है मैं वो नहीं समझ रहा हूँ कि मुझे इसमें तीन तीन रास्ता मुझे दिया है, और तीन तीन रास्ता का मैं करूंगा क्या भाई। ओके, तो देखता हूँ एक एक में जाके क्या होगा, क्या करना पड़ेगा। ओके, तो मैं तो समझ चुका हूँ कि ये तीन रास्ता क्यों है, हमें इनमें से एक अच्छा रास्ता होगा जिसे जिससे कि हम मुझे चूज करना पड़ेगा, वही हमें अपने रियल डेस्टिनी पर ले जाएगा। कि क्या ये है? हाँ यही है जो कि हमें रियल डेस्टिनी पर ले जाएगा। ओके, तो इतना हार्ड भी नहीं है, इतना इजी भी नहीं है कि अगर आप अच्छे गेम खेलते हो तो ठीक है भाई। अगला पोकेमोन कौन सा होगा? स्विफ्ट यूज करता हूँ जिससे कि दोनों पे ही अटैक जाएगा, अगर नहीं गया फिर भी दोनों के दोनों पोकेमोन मर ही जाएंगे। ओके, तो तू बाजू भी कर रहा है, बाढ़ में जा, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। काश काश के इसमें रिपेल लेके आया होगा, वो तो इतना पोकेमोन आ रहा है, मैं मुझे इतना अनोइंग हो रहा है ना ये सब पोकेमोन का
सामना करने बट तभी ठीक है, कोई बात नहीं था। जरा तकलीफ के साथ भी मैं इन लोगों को हरा के अगला सिटी या अगला टाउन में मैं डेफिनेटली 1000% जाने वाला हूँ। और अगर उस टाउन में भी जिम होगा तो आई गेस इसी एपिसोड में अगर टाइम मिला तो इसी एपिसोड में मैं हराऊंगा मैंने सोचा था। पर 30 लेवल का बैस्टिडॉन भाई, ये बहुत ही अनफेयर है भाई। मैं बस 32 लेवल का हूँ। दूसरा भी 30 फॉसल पोकेमोन का मास्टर है क्या तू भाई? दोनों के दोनों फॉसल पोकेमोन निकाला है, वो भी दोनों के दोनों वाटर टाइप स्टील टाइप है। वो दो ये दोनों के दोनों स्टील टाइप है। ओके तो ये कंफ्यूज हो चुका है। पर ओके अगर एक बात है कि मेरा कोई भी मूव पे लगा तो ये मुझे लग रहा था ये हार ही जाएगा। तो व्हाटएवर कवर फॉसिल, मुझे नहीं पता कि कवर फॉसिल से कौन सा पोकेमोन निकलने वाला है। फिर भी कोई बात नहीं, जो भी निकलेगा वो देखा जाएगा भाई, मैं झेल लूंगा। जो भी निकलेगा मैं झेल लूंगा। ओके मेरा राइवल फाइट अभी नहीं यार, मेरे पास एक दो पोकेमोन कम है यार, जिससे कि मुझे लग नहीं रहा है कि मैं इसे हरा सकता हूँ। तो एरियल इससे ग्रास टाइप है, ये ग्रास टाइप है ना, ग्रास एंड स्टील टाइप। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इसे हराना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर ऑब्वियसली मैं 1000% हार चुका था गई। ये बात याद रखो कि मैं हार चुका था, हारा नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सेव किया था जिससे कि मुझे एक फायदा हो गया कि मैं इसके साथ बहुत दिया ना वाली इसे हराना बो इससे मैंने नहीं हराया ना। तो इतना याद रखो मैं इसका कोई भगवान को नहीं हरा सकता हूँ। मेरे पास क्या रिवाइव है क्या? अगर रिवाइव होगा तो ठीक है मॉन्स्टर। ओके गाइस रिवाइव है। ओके तो अब तू गया भाई साले, तेरी मैं खोपड़ी तोड़ूंगा, रुक। ओके पोशन से फिफ्टी हो गया है। ओके तो ये शूट में भूल गया था, ये एक आइस टाइप भी है प्लीज। ओके ये तो वन नहीं भाई, सूट कैस मैं हार गया भाई। यस मैं इस एपिसोड में तो बिल्कुल नहीं हरा पाऊंगा, मुझे जहां तक लग रहा है कि मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा। फिर भी मैं ट्राई करना हूँ कि मैं शायद काश तो भी हो मैं इसे हरा सकूँ। अगर मैंने इसे हरा दिया तो बस मेरा काम बन जाएगा गाइस। इसके लिए तो ड्रैगन ब्रेथ नहीं काम आएगा, मुझे लगा नहीं था कि ड्रैगन ब्रेथ भी इसके सामने फेल होगा। तो ओके सोके जब मुझे लग रहा है कि मैं इससे मुझे जानबूझ के भी मुझे इससे हारना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं ठीक है मैं हारने के लिए तैयार हूँ अगर तू हरा सकता है तो। मैंने बस कहा था भाई ये तो मुझे हरा ही देगा। पैसा पहला पोकेमोन को तो मैंने फेंट कर लिया है तो उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। क्या ये बन है क्या जैसे कि हॉल बाई स्पाइक्स? ओके ऑल राइट सो गाइस मैं हार गया, कोई बात नहीं इस एपिसोड में हार गया ना।
अगले एपिसोड में देखना गाइस, उसका मैं इस तरीके से पापड़ बनाने वाला हूँ ना अगले एपिसोड में। अगला एपिसोड आप बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, आपको मिस नहीं कर रहा है। अगला एपिसोड में मैं इसे इस तरीके से रखूँगा कि आप भी याद रखोगे। तो फिलहाल गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा मैं आपको अगले पोकेमोन, हिटमैन, जीटीए और माइनक्राफ्ट के वीडियो के साथ।